सब्सक्राइब करें और देखें हर मंडे एक हिला देने वाली हॉरर स्टोरी। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। समुद्र जितना बड़ा होता है उतना ही डरावना। समुद्र जितना गहरा होता है उतने ही गहरे राज उसमें छुपे भी होते हैं। एक ऐसा ही राज है सीबर्ड। एक दिन ऑस्ट्रेलिया के न्यू पोर्ट हार्बर में ईस्टर्न बीच पर अचानक एक शिप आकर खड़ी हो गई। उस शिप का नाम था सीबर्ड। जब वो शिप बीच के किनारे आई तब वो एकदम खाली थी। उसमें कोई इंसान तो नहीं था, लेकिन कई लोगों ने एक छोटी सी लड़की को उस शिप के पास देखा था। सीबर्ड के बारे में बहुत सी कहानियां फेमस थीं। कुछ लोगों का कहना था कि उस शिप में एक लड़की थी जो पागल हो गई थी और उसने रात में लोगों के कमरे में जा जाकर उन्हें एक एक करके मार दिया। अब कहानियां कुछ भी कहें, एक बात तो तय थी, सीबर्ड हॉन्टेड थी और वहां जाना खतरे से खाली नहीं था। ऐसे में डोनाल्ड नाम का एक मरीन ऑफिसर उस शिप को इन्वेस्टिगेट कर रहा था। उसका काम था ये पता लगाना कि वो शिप कहां पर सेल करने गई थी, वहां जाने का उसका मकसद क्या था और वहां पर ऐसा क्या हुआ जिससे वो शिप इस बीच पर आ पहुंची। वो अपने बैग में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स और एक कैमरा लेकर सीबर्ड में चला गया। शिप में जाते ही उसने देखा कि कांच के टुकड़े जगह जगह पर बिखरे हुए पड़े हुए हैं। शिप के इस्तेमाल में आने वाले बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स भी जमीन पर पड़े हुए हैं। वो शिप एक खंडर बन चुकी थी। वो अपने कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड ही कर रहा था तभी उसे अपने पीछे से कांच के टूटने की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। वो फिर से आगे जाने के लिए मुड़ा, लेकिन वो जैसे ही मुड़ा उसने देखा कि उसके सामने एक भयानक शक्ल वाली लड़की खड़ी है। उस लड़की के चेहरे पर जगह जगह कांच के टुकड़े धसे हुए थे और उसका पूरा चेहरा खून में डूबा हुआ था। उसने अपना बड़ा सा मुंह खोला और तभी डोनाल्ड हवा में उड़ने लगा और वो शिप के एक दूसरे भाग में जा गिरा। उसने सोचा कि अब यहां से भाग जाने में ही भलाई है। वो दरवाजे की तरफ भागा लेकिन शिप के सारे दरवाजे बंद हो गए थे। फिर जैसे ही वो मुड़ा वो लड़की फिर से अपना बड़ा सा मुंह खोल कर खड़ी थी। उसने फिर से डोनाल्ड को एक हाथ मारा जिससे वो एक कोने में जा गिरा। उस कोने में बहुत सारा पेट्रोल रखा हुआ था। डोनाल्ड उससे टकरा गया और वो सारा पेट्रोल नीचे गिरने लगा। वहीं कोने में डोनाल्ड को एक टेप भी मिला जिसकी रील निकल गई थी। डोनाल्ड ने जल्दी से वो टेप अपने बैग में रखा और वहां से भागने के बारे में सोचने लगा, लेकिन वो लड़की अब भी उसके सामने खड़ी थी। डोनाल्ड ने अपने बैग से सिगरेट का लाइटर निकाला और उसने बगल में पड़ा हुआ पेट्रोल का डब्बा उठाया और पूरी शिप में छिड़कने लगा। उसने देखा कि वो लड़की अब भी उसके ठीक सामने खड़ी थी और उसे घूरे जा रही थी। उसने जल्दी से लाइटर को जलाया और उस लड़की के ऊपर फेंक दिया। वो लड़की जलने लगी और उसके साथ ही धीरे धीरे पूरी शिप में भी आग लग गई। डोनाल्ड के भी कपड़ों पर पेट्रोल लगा हुआ था जिससे उसने भी आग पकड़ ली, लेकिन वो खिड़की तोड़कर पानी में कूद गया। उसकी जान में जान आई, लेकिन जब उसने सीबर्ड की ओर देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। जो आग वो वहां लगा कर आया था वो अपने आप बुझ गई। वो लड़की अब भी उसे उस टूटी हुई खिड़की से घूर कर देख रही थी। डोनाल्ड ने कुछ भी नहीं सोचा और जल्दी से अपने घर चला गया। डोनाल्ड के हाथ लगा तो सिर्फ वो एक टेप। सीबर्ड से जुड़े जितने सवाल थे वो अब भी उसके ऊपर मंडरा रहे थे। उसने वो टेप प्ले किया। उस टेप में उसने जो रिकॉर्डिंग देखी उसे देखकर वो सुन पड़ गया।
सी बर्ड की भयानक सच्चाई को जानने के लिए देखिए इस कहानी का पार्ट टू। दोस्तों, अगर आपको एक कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल खूनी मंडे को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।